से नहीं करते हैं। अरे दीजिए पार्टी आपको बोलता तेरे पास कितना डॉलर है? जान मेरे पास अब मेरे सेठ में चल रहे हैं। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। एक ओर जहां भाजपा को पार्टी के बीच चल रहे भीतरघात से निपटना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब किसान भी भाजपा के विरोध में उतर आए हैं। अजी चाल भाई आपके पास कितने धान है? आपके पास कितने धान है? मैं खुद आपको बोलता हूं तेरे पास कितने धान है? चाल मेरे पास चल, मेरे खेत में देख सर रहे हैं वो। दो दो बोरी में खड़ा दिया वो सर रहे हैं वो। जान देते रुको नहीं करेगा जो। फतेहपुर से भाजपा प्रत्याशी बलदेव ठाकुर को जहां किसानों ने रियाली में प्रचार करने नहीं दिया था, वहीं अब भाजपा कार्यकर्ताओं को टटवाली गांव में किसानों का विरोध झेलना पड़ा। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि पहले धान की फसल के उचित दाम पर खरीद शुरू की जाए, उसके बाद ही भाजपा प्रचार करने के लिए आए। और ये जिम्मेवार बीजेपी ने मंडी साड़ी रियाली खोली ही, और उसके बाद पठान जो वीरभद्र से ना डुकुर में खोली है, और नींव नगर की मंडी जड़ी साड़ी फतेहपुर बनाती है। साड़ी जल्दी से जल्दी जरा झोना भरिया जाए, किसानों की राहत मिल जाए, असी विरोध करके। धान मंडी साढ़े अपने खेतों च पे है, लोग रहे सड़ रहे हैं, कोई सुनाई नहीं। इलेक्शन स्टंट आ रहा, बीजेपी पार्टी के बंदे भी आ रहे, साढ़ा कोई हाल नहीं हो रहा। ठीक है, साड़ी मंडी है, साड़ी कितने मंडी है? फतेहपुर मंडी है, जो कुछ है मंडी चल दसो अच्छे दाने कितने सुटिए। दूसरा कहते कि परचे दो जमीन दे, जे जिमीदार को जमीन है तभी ताही धान उगा रहे हो, ताही दाने कट रहे हो, परचे दो जमीन दे के मोदी ने जमीन ना लगानी अपने। बता दें कि फतेहपुर किसान प्रधान विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे में अगर भाजपा जल्द ही गुस्साए किसानों को मनाने में कामयाब नहीं हुई तो पार्टी को चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिंदाबाद। मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।